दोस्तों आज से कुछ टाइम पहले की बात करें तो Realme ने लॉन्च किए थे अपने दो नए Android LED TV जो कि आते थे 32 इंच और 43 इंच के साथ। एक हमें मिलता था HD रेडी रिजोल्यूशन के साथ और सेकंड हमें मिलता था फुल HD रिजोल्यूशन के साथ। दोनों ही LED TV के अंदर हमें अच्छी साउंड क्वालिटी मिल जाती थी, अच्छी पिक्चर क्वालिटी मिल जाती थी और इनका प्राइस भी काफ़ी अग्रेसिव था, जिस कारण इन LED TV ने मार्केट में काफ़ी अच्छा होल्ड बनाकर रखा था। और आज की बात करें तो Realme लॉन्च करने वाला है अपना नया LED TV जो कि है Realme S LED TV। ये आएगा 55 इंच का 4K रेजोल्यूशन के साथ। इसके अंदर क्या कुछ स्पेसिफिकेशन हमें मिलने वाले हैं, S LED TV का मतलब क्या होता है, ये QLED TV या किसी भी अदर LED TV से किस तरह से डिफरेंस होता है, इसके बारे में हम वीडियो में आगे चलकर जानने वाले हैं। तो दोस्तों इससे पहले हम वीडियो को आगे बढ़ाएं उससे पहले कर लीजिएगा आपके इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को कर लीजिएगा लाइक और उसके बाद हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों Realme लॉन्च कर रहा है अपनी नई LED TV S LED TV जो कि Realme की तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि ये वर्ल्ड फर्स्ट S LED TV होगी 4K रेजोल्यूशन के साथ। यहाँ पर S LED TV का क्या मतलब है मैं वीडियो में आगे चलकर आपको बताने वाला हूँ। Realme की तरफ से बोला जा रहा है कि ये सुपर कलर टोन और सुपर आई केयर TV होने वाली है। क्या होगी S LED TV और ये किस तरह से QLED TV या OLED TV से अलग होने वाली है, चलिए वीडियो में आगे चलकर हम जानते हैं। दोस्तों नॉर्मल जो आजकल के TVs होते हैं, चाहे वो QLED TV क्यों ना हो, उनके अंदर इनिशियल स्टेज पे ब्लू लाइट का यूज किया जाता है और उसको व्हाइट लाइट में कन्वर्ट करने के बाद कलर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन यहाँ पर S LED TV के अंदर ये होने वाला है कि रेड ग्रीन ब्लू लाइट्स को इनिशियल स्टेट से यूज किया जाएगा, जिसका बेनिफिट ये होगा कि जो ब्लू लाइट्स के हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं वो हमें फेस नहीं करने पड़ेंगे। और क्योंकि इनिशियल स्टेट से रेड ग्रीन ब्लू लाइट्स का यूज किया जाएगा, इस कारण हाई कलर प्योरिटी भी इस LED TV के अंदर देखने के लिए मिलने वाली है। आप में से बहुत से दोस्त जानते होंगे जो ब्लू कलर्स होते हैं वो हमारी आंखों को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, क्योंकि कलर टेम्परेचर ब्लू कलर का सबसे ज़्यादा होता है। एक और खास बात है S LED TV की, वो ये कि नॉर्मल LED TVs के अंदर जो कलर गैमेट यूज किया जाता है वो लगभग 70-72% तक होता है, लेकिन यहाँ पर आपको अल्ट्रा वाइड कलर गैमेट का यूज देखने के लिए मिलने वाला है जो कि लगभग 108% तक होने वाला है, मीन्स 108%। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 108% के अंदर कितने ज़्यादा कलर हैं कंपैरिजन टू 70% के। इस LED TV में ज़्यादा कलर्स देखने के लिए मिलेंगे किसी भी अदर LED TV के कंपैरिजन में। डिज़ाइन की बात करें तो इस LED TV के अंदर सिनेमैटिक डिस्प्ले देखने के मिलेगी। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ पर अल्ट्रा वाइड कलर गैमेट देखने के लिए मिलने वाला है। माधव सेठ ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट में एक पिक्चर शेयर की है जिसके अंदर इस LED TV का बॉक्स दिखाया गया है। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं दी गई है, लेकिन यहाँ पर S LED TV 4K रेजोल्यूशन बताया गया है। अब बात करें इस LED TV की साउंड क्वालिटी की, तो डॉल्बी विजन का डॉल्बी ऑडियो साउंड आपको देखने के लिए मिलने वाला है इस S LED TV के अंदर। और अगर बात करें इस LED TV की रैम और स्टोरेज की, तो इस LED TV के अंदर आपको मिनिमम 2GB की रैम और 16GB की इंटरनल स्टोरेज देखने के लिए मिलने वाली है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। पोर्ट्स की बात करें तो इस LED TV के अंदर आपको 3 HDMI के पोर्ट, 2 USB के पोर्ट, 1 डिजिटल ऑडियो का पोर्ट, इसके अलावा ब्लूटूथ का फीचर भी इस LED TV के अंदर इनेबल मिलेगा आपको। अब बात करें लॉन्चिंग की, तो ये LED TV अक्टूबर के फर्स्ट हाफ के अंदर लॉन्च हो जाएगी और कहा यह जा रहा है कि 8 अक्टूबर को इसकी लॉन्चिंग डेट हो सकती है। अब बात करें प्राइसिंग की, तो मेरे अकॉर्डिंग अगर इस LED TV का प्राइस 35,000 से कम का आता है तो ये काफ़ी अग्रेसिव प्राइस होगा, लेकिन आज की डेट में 55 इंच की 4K LED TVs देखते हैं जिसके अंदर QLED पैनल यूज होता है, वो लगभग 40,000-45,000 के आसपास हमें देखने के लिए आज की डेट में मिल रहा है। लेकिन अगर ये 35,000 तक आती है तो काफ़ी अच्छी बात होगी। दोस्तों आपकी नज़र में क्या प्राइस रहने वाला है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपकी क्या राय है इस LED TV के बारे में वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आपको ये वीडियो कैसे लगी मुझे लाइक या डिसलाइक करके फीडबैक दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।